श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है और इस दीपावली के त्यौहार के दिन आप एक ऐसा विशेष उपाय कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा उपाय है जो कि आप लोग अपनी घर की लक्ष्मी के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पूरे साल कभी भी धन की कमी ना हो, संपदा की कमी ना हो, ऐश्वर्य की कमी ना हो, आपके ऊपर कभी कर्जा ना हो, कर्जा है तो वो उतर जाए, तो इसके लिए आपको दीपावली के दिन एक छोटा सा विशेष उपाय करना चाहिए। छोटा उपाय नहीं है, दरअसल ये बड़ा उपाय है, तो इसलिए इस उपाय को अच्छे से सुनना है, समझना, उसके बाद ही करना है। तो इस उपाय को आपको दीपावली के दिन रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे के बीच में करना है, रात्रि में, सिर्फ दीपावली के दिन। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि 3 वृक्ष आपके घर के आसपास है या नहीं। तीनों में से कोई भी एक वृक्ष है तो भाई आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्री, पीपल या आंवले के वृक्ष में से कोई भी एक वृक्ष है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 3 दीपक लेना है मिट्टी के। उन दीपकों में आपको एक दीपक में तो गोल बाती, फूल बाती रखना है और 2 दीपक में आपको लंबी बाती रखना है। जो गोल बाती रखना है वो गणेश जी के लिए रख रहे हैं और जो लंबी बाती रख रहे हैं आप लोग, वो पहली लक्ष्मी जी की और दूसरी सरस्वती जी के लिए, ठीक है। उनमें घी भरना है, घी इतना भरना है बिल्कुल फुल, जितना बड़ा आपका दीपक होगा ना उतने में फुल आपको जो है यहाँ पर घी भरना है, और शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये तीनों दीपक तैयार करके इन तीनों ही दीपकों में एक एक कमलगट्टा डाल लो। कमलगट्टा डालने के बाद पहुँच जाओ इन वृक्षों के नीचे, मतलब कोई भी एक वृक्ष हो, तीनों वृक्षों के नीचे नहीं जाना है। बेलपत्री का हो तो उसके नीचे चले जाओ, पीपल का हो तो उसके नीचे चले जाओ, आंवले का हो तो आंवले के नीचे चले जाओ, पर जो आपके घर के आसपास हो उस पेड़ के ही नीचे जाना है। इन तीनों में से कोई भी एक वृक्ष के नीचे जाना है। पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको जो है गोल बाती के ये तीनों आप दीपक आपको वहां पर जला के रख लेना है, ठीक है, साइड में रखना है, अभी डायरेक्ट नहीं जलाना है, वहां पर पहले जला कर रख लेना है। अब सबसे पहले आपको जो है गोल बाती का दीपक उठाना है अपने सीधे हाथ की हथेली में। उठाने के बाद जो है अपने आपको जो है लक्ष्मी जी का स्मरण करना है, अपने कुल देवी देवताओं के स्मरण करना है, पूर्वजों का स्मरण करना है, और आपके घर में जो धन की समस्या चल रही है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस समस्या का जो है स्मरण करना है, मतलब उस कामना का जो है आपको स्मरण करना है। अपना कर्जा मुक्ति के लिए करना है तो भाई कर्जा मुक्ति का जो है स्मरण करना है, किसको आपको कर्जा देना है, किसको चुकाना है, वो सब स्मरण करना है, ठीक है, कामना के रूप में। उसके बाद कुबेरेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करके जो है गणेश जी के नाम से आपको इस दीपक को वहीं पर वृक्ष के नीचे रख देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख रहे हैं तो भाई वहां पर ये दीपक को रख देना है। उसके बाद आपने 2 लंबी बाती के दीपक तैयार किए हैं, पहली लंबी बाती का दीपक उठाइए, उठाने के बाद जलाकर उठाना है, ठीक है। अब ये जो लंबी बाती का दीपक जब आप लोग पहला वाला उठा रहे होंगे तो इसकी जो बाती का मुख होगा वो आपकी तरफ होगा, जिस तरफ ये बाती जल रही होगी इसकी वो आपकी तरफ करके उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद वही कुल देवी देवता का स्मरण करना है, लक्ष्मी जी का स्मरण करना है, अपने पूर्वजों को स्मरण करना है, और आपको जो है अपनी मनोकामना को करते हुए इस दीपक को जो है वहीं पर वृक्ष के नीचे रख देना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। पर जब आप लोग ये वृक्ष मतलब इस दीपक को नीचे रखेंगे तो बाती का मुख वृक्ष की तरफ करके रखना है, ठीक है। उठा रहे हो जब अपनी तरफ और जब रख रहे हो तो मतलब बेलपत्री के वृक्ष की ओर करके रखना है। अब तीसरा जो दीपक है वो आप जब उठाओगे तो आपको करना क्या है कि ये जो दीपक है ये आपको जो जिस तरफ से जल रहा है मतलब ये बाती का मुख जो होगा वो वृक्ष की तरफ करके उठाना है, ठीक है। और स्मरण करना है, अपने पूर्वजों को स्मरण करना है, व्यापार, कर्जा मुक्ति, धन संपदा के लिए जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वह स्मरण करना है, लक्ष्मी जी का स्मरण करना है। और स्मरण करने के बाद जो है आपको क्या करना है, इस बाती का मुख जब आप लोग उठा रहे होंगे तो वृक्ष की तरफ करना है। जब आप लोग इस दीपक को जो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख रहे होंगे तो जो बाती का मुख होगा वो आपकी तरफ करके आपको नीचे रख देना है, ठीक है। बस ये तीनों दीपक आपको इस प्रकार से जो है रख देना है वहां पर अपनी मनोकामना को करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए। अब आपको क्या करना है कि वहीं पर भगवान से झोली पसार कर जो है, झोली फैलाकर जो है भगवान से जो आपको मांगना है, जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं धन संपदा के लिए, वो भगवान से मांगना है और झोली अपनी तरफ करके जो है बांध लेना है, ठीक है, मतलब अपनी तरफ गिरा लेना है उस झोली को, ठीक है। झोली को गिराने के बाद वहां से उठ जाना है, उठने के बाद सीधा अपने घर जाना है। जब आप लोग इस उपाय को करके उठ जाएं और रास्ते पे चलने लगे तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है जहां पर आपने ये उपाय किया है, सीधे अपने घर आकर ही रुकना है। घर आकर जहां पर आपने दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करी होगी उस स्थान पर आना है, वहां पर लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना बोलना है। उसके बाद आपने अपनी पूजन में कोई भी चांदी का सिक्का या कोई भी 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का रखा होगा उस सिक्के को उठा लेना, नहीं रखा है तो भाई हमने आपको इस उपाय को पहले ही बता दिया, पूजन के स्थान पर 1 रुपये या 2 रुपये कोई भी सिक्का या चांदी का सिक्का रख लेना, ठीक है। इस उपाय करने के आने के बाद अपने घर में जहां पर पूजा करिए वहां पर लक्ष्मी जी को प्रणाम करके उस एक सिक्के को उठा के अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में रख देना। पूरे साल कभी भी धन व्यापार की आपकी कभी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगी, धन संपदा हमेशा आपसे आपके घर में ही रहेगा और कर्जा मुक्त भी आप हो जाओगे। इस उपाय करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।